वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। उज्जैन ईओडब्ल्यू ने 36 साल की नौकरी में फॉरेस्ट गार्ड से रेंजर बने बिहारी सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। फॉरेस्ट रेंजर की संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में अभी तक रेंजर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। इंदौर की स्कीम नंबर 140 में 1.5 करोड़ का आलीशान बंगला सहित एक अन्य मकान, 2 लाख नकदी, 17 बीघा खुड़ैल में जमीन के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा रेंजर को गाड़ियों का भी शौक है। ईओडब्ल्यू की टीम रेंजर के बैंक खातों की जांच में भी जुट गई है। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि रेंजर अधिकारी जमीन को समतल करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत की जांच के बाद फॉरेस्ट रेंजर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दिलीप सोनी ने बताया कि 1984 में बिहारी सिंह बतौर फॉरेस्ट गार्ड विभाग में पदस्थ हुआ। 20 साल तक बिहारी सिंह ने इंदौर में ही अपनी सेवाएं दी और भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा ली। 2018 में बिहारी सिंह का तबादला दमोह बतौर रेंजर के तौर पर हो गया था। यहां उसने काले हिरण शिकार के मामले में तस्करों को मदद की और तस्करों के साथ मिली भगत के कारण उसे 12 दिन की जेल भी हुई थी। रेंजर की 10 महीने की नौकरी और बची थी। एसपी सोनी ने बताया कि बिहारी सिंह का बंगला कनाड़िया स्थित चित्रा एस्टेट के पास है, जिस कॉलोनी में रेंजर ने 8,000 स्क्वायर फीट में आलीशान बंगला बनवाया है। बंगले की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहारी सिंह के बंगले के अलावा इंदौर के दुर्गा विहार एक मकान पर कार्रवाई जारी है। छापे के दौरान एक बोलेरो गाड़ी, एक स्विफ्ट गाड़ी भी विभाग को मिली है। वहीं कई बैंक खातों की जानकारी भी विभाग को मिली है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।